वेलकम अगेन गाइस रैंडमाइज्ड एक्सपेरिमेंट्स में। तो आज की वीडियो में हमारे पास ये 9 वोल्ट की HW वाली बैटरी जिसको आज हम चार्ज करने वाले हैं, ठीक है। तो ये चार्ज कैसे होगी, बेसिकली सिर्फ मैं 20 मिनट में इसको आप लोगों को चार्ज करके दिखाऊंगा विथ लाइव प्रूफ, ठीक है। तो चलो इसको चार्ज करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो कर दो एक लाइक, ताकि इस तरह की न्यू वीडियो आप लोग सबसे पहले देख सको। तो यहाँ देखो, यहाँ मैं बैटरी को रख देता हूँ। ये है एक LED, ठीक है, ये है एक 3 वोल्ट LED जिसको जब हम इसमें टच कराते हैं तो ये जलना चाहिए, बट ये जल नहीं रही, जैसे कि आप लोग देख सकते हो टर्मिनल्स में टच कराने के बावजूद ये नहीं जल रही, क्योंकि बैटरी डिस्चार्ज है भाई, बैटरी में कोई चार्ज नहीं है। तो अभी हम क्या करेंगे, जैसा कि आप लोग देख सकते हो ये बैटरी, इसकी नंबरिंग देख लो कि यही बैटरी को हम चार्ज करने वाले हैं, इसी को दोबारा हम LED के साथ ज्वाइन करने वाले। तो ये नंबरिंग देख सकते हो आप लोग। अब चलो इसको चार्ज कैसे करना है, ठीक है। तो हम एक HW बैटरी को तो लेंगे ही लेंगे जो कि डिस्चार्ज है। उसके बाद ये एक केबल आती है आप लोग जो चार्जर के साथ जोड़ सकते हो। तो ये जो केबल है आप एक बार इसको ले लो, उसके बाद हमेशा आप कोई भी 9 वोल्ट बैटरी को चार्ज कर सकते हो, आपको नया खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये केबल आती है 5 रुपीज़ की। आपको क्या करना है, आपको बस सीजर लेनी है, इस केबल का एंड को यहाँ से काट देना है, ठीक है। अब इस केबल के पास से देखो, यहाँ से जब तुम कट करोगे तो यहाँ से 2 वायर्स निकलेंगे, ठीक है। ये देख सकोगे तुम लोग कि इस केबल के अंदर से यहाँ से 2 वायर्स निकलती है। आप लोगों को शायद नहीं दिखाई दे रही होगी अच्छे से, देखो 2 वायर्स निकलेंगे। अब मैं एक और बार इसको कट कर देता हूँ कि आप लोगों को क्लियर दिखाई दे रहे, ठीक है। इस तरीके से मैंने एक छोटा सा कट बनाया यहाँ पे। अब देखो, अब यहाँ से क्लियर दिखाई दे रही होगी। ये देख सकते हो कि एक ब्लू वायर है और एक कॉपर की वायर है, ठीक है। तो ब्लू का मतलब, अब इसके बाद हमें क्या चाहिए, ये बैटरी का एक जैक पिन, ठीक है। तो ये जैक पिन जो है उसके साथ ही हम इसको जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये बैटरी के जैक पिन यहाँ पे देखो, यहाँ 2 वायर्स, इसमें 2 वायर्स। तो ध्यान रखना कि ये ब्लू वाले को ये ब्लू वाले के साथ, ठीक है। तो ये देखो, बस हमने जोड़ दिया, इस दोनों को साथ में जोड़ देना है, ठीक है। तो इस दोनों बैटरी को हम साथ में जोड़ देते हैं, इस दोनों वायर्स को, ठीक है। और ये दोनों वायर्स को जोड़ने के बाद साथ में अब हमें क्या करना है कि जो डिस्चार्ज 9 वोल्ट बैटरी, यहाँ देख सकते हो आप लोग कि ये दोनों जुड़ गया। अब देखो, अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इसको करना बिल्कुल मत भूलना। अब आप लोगों को टेप चाहिए, आपको इलेक्ट्रिक टेप चाहिए। यहाँ से इलेक्ट्रिक टेप को इस तरीके से कट कर दो, कट करने के बाद इसको इस तरह से खोल दो, फिर यहाँ पे जहाँ पे आप लोगों ने जॉइंट बनाया है उस जॉइंट पे इस टेप को मार के, ध्यान रखना अभी बहुत ही हम इम्पॉर्टेंट काम करने वाले हैं, इस तरीके से यहाँ जॉइंट मार दो। और बस जॉइंट मारने से नहीं होने वाला काम, हम एक मैच लेंगे, ऐसे जला लेंगे, और उसके बाद ये जो हमने किया है इसके ऊपर हम कुछ इस तरीके से इससे क्या होगा कि अच्छी तरीके से ये बाइंड हो जाएगी, यहाँ से कहीं से भी बिजली पार नहीं होगी, ठीक है। तो अब इसको सूख जाने देते हैं, 2 मिनट बस लगती है सूख जाने में। तो क्या करो, एक तरफ से कर लिया, दूसरे तरफ से भी हम कर लेंगे। तो हम एक और ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ ये रहा एक और इलेक्ट्रिक टेप, यहाँ से हम इसको काट देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे हम कि यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे जैसा हमने एक तरफ किया वैसे हम दूसरे तरफ भी करेंगे, यहाँ जॉइंट के पास, ठीक है, जॉइंट के पास। चलो दूसरे तरफ भी हम वही सेम काम कर देते हैं। ये देख सकते हो आप लोग, यहाँ से मैंने इसको जोड़ दिया, ठीक है। अब यहाँ से भी हम एक मैच करके जला देंगे, ठीक है। तो दोनों एजेस जो है स्ट्रांगली बाइंड हो जाएंगे। तो यहाँ भी बस मैच बस हो ही गया। बस अब ये दोनों होने के बाद अब हमें क्या करना है, अपनी HW की बैटरी को लेनी है। देख लो ये तैयार हो चुका है, ठीक है। और अब HW की बैटरी को लेनी है। अब हम इस बैटरी को सिंपल क्या करेंगे, इसके साथ जोड़ देंगे, ठीक है। देखो ये जुड़ गया इस बैटरी के साथ, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमारे पास है यहाँ पर एक चार्जर, तो हम क्या करेंगे, चार्जर को इसके साथ जोड़ देंगे। अब देखो ये HW की बैटरी चार्ज हो जाएगी, तुरंत चार्ज हो जाएगी। अब बस तुम लोगों को ध्यान में ये रखना है कि ये दोनों पॉइंट्स जो है अच्छी तरीके से इलेक्ट्रिकली जुड़े हुए हैं, जैसा कि मैं तुम लोगों को बताया था, ठीक है। इस तरीके से करने के बाद चलो इसको भी हम बोर्ड में लगा देते हैं और चेक करते हैं कि ये चार्ज होती है या नहीं, ठीक है। तो चलो इसको गर्म कर देते हैं। तो गाइज़ इसको यहाँ पर हमने बोर्ड के पास लाया और देख सकते हो ये चार्जर है जिसको मैं अभी बोर्ड के साथ लगा देने वाला हूँ। ये मैंने लगा दिया,
अब गाइस इसको थोड़ा पीछे रख देते हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हो यही है वो बैटरी, और इसको हमने इस तरीके से जोड़ दिया है, ठीक है। तो इसको दोनों अलग अलग रखते हैं, और उसके बाद चलो यहाँ से इसको ऑन कर देते हैं, ठीक है। अब चलो इसको चार्ज के लिए हम 20 मिनट छोड़ देते हैं, उसके बाद आके देखते हैं कि हमारी बैटरी चार्ज हुई रहती है या नहीं। तो चलो आते हैं 20 मिनट बाद और टेस्ट करते हैं कि ये चार्ज। तो चलो भाई 20 मिनट हो चुके हैं यहाँ पे, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। चलो इसको हम बंद कर देते हैं तुरंत से, और इसको हम इस यहाँ से निकाल देते हैं। ये देख सकते हो यही है हमारी वो बैटरी जिसको हमने चार्ज में 20 मिनट पहले लगाया था। तो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से खोल लेंगे, काम करते कवर ही खोल लेते हैं हम, और चलो इसको ले जाते और देखते हैं कि ये काम कर रही है या नहीं कर रही है। यहाँ देख सकते हो तुम लोग कि हमारी जो HIW की बैटरी को हमने चार्ज किया, चार्ज पर लगाया था, अब निकल गई है। कोड देख लो यही वाला है, ठीक है, यही कोड था जो है। वापस तुम लोग पीछे करके वीडियो देख सकते हो, यही वो बैटरी है, ठीक है। अब हम इसको टेस्ट करने वाले हैं ना, वापस से आ गए हमारे पास ये LED, ठीक है। चलो अब इसको टेस्ट करते हैं। अब इसी को हम यहाँ पर देख सकते हो तुम लोग, ये देख सकते हो किस तरह जो है चार्ज हो गया। उतना फुल्ली चार्ज नहीं हुआ, लेकिन चार्ज उतना तो हो गया जितना हमें काम चलाने लायक चाहिए होता है। चलो हमारा बैटरी चार्ज हो चुका है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो करो लाइक, चैनल को करो सब्सक्राइब, ताकि इस तरह की न्यू वीडियो आप लोग हमेशा देख पाओ, इस तरह की सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो। जैसा कि लोगों ने देखा, जैसे ही हमने इस पर टच कराया, हमारा जो है बैटरी जो है इसको ग्लो करा दिया, मतलब बैटरी में पावर आ गई, थोड़ी बहुत भी सही लेकिन पावर आई है। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।